मैनू किसी पुछे नहीं किधरों आया किधर जाने, मैं चौक घर बैठ गया। अच्छा यह गल दसो मोहम्मदीन साहब, तुहाडे विआह नूं किन्ना अरसा हो गया, किन्ने साल हो गए? विआह ते काफ़ी देर हो गया। क्या किन्नी देर हो गई? ये यही तो पुछना तुहाडे कोलों, जदों तुहाडा विआह होया सी उदों सोना किस तरह तोला सी? उदों मुखे सी, हुण उहने आउणा इमरान खान ने इत्थे, क्यों आना तू? उस अल्लाह दे रहमत उहनू लिआउणा, अल्लाह ने लिआउणा, मैं नहीं लिआउणा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, आया नू पखेर अगले कई फहालू का हबीबी माय फ्रेंड्स, जिथे पैर उथे खैर छा हालो। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम, चेजब शो के साथ। आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, अगर मैं आपको उनके बारे में बताना शुरू करूँ तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो लगभग 100 के करीब पहुंच चुकी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है, पाकिस्तान के लिए सबसे पहली दफ़ा गोल्ड मेडल वो लेकर आए थे। बहुत से स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो एक रात में सुपरस्टार बन जाते हैं और प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे वो प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, और उनके आगे पीछे बड़ी गाड़ियाँ, उनके आगे पीछे मीडिया, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर्स और तमाम वो इदारे जो उनसे फ़ायदा चाहते हैं वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। इसको पहलवानी की ज़बान में बोला जाता है बुर्ज। और मेरे हाथ में ये जो आप मेडल देख रहे हैं, इस मेडल को ऐसे हाथ में पकड़ने के लिए एक प्लेयर को कई साल लग जाते हैं कि वो ये मेडल लेकर जब अपनी पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे तो पूरा पाकिस्तान जब उसको खड़ा होकर दाद दे या फिर तालियां बजाकर दाद दे तो उस इंसान की सारी ज़िंदगी की मेहनत उन चंद लम्हों के अंदर सिमट आती है। व्यूअर्स, ये आप मेरे हाथ में जो पासपोर्ट देख रहे हैं, ये वो पासपोर्ट है जब पाकिस्तान बना तो चंद लोग उस टाइम पर इस पासपोर्ट को होल्ड करते थे, जिनमें जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और चंद एक ऐसे हमारे जो लीडर्स थे जो पाकिस्तान के बानियों में थे वो लोग थे, या फिर ये शख्सियत हैं जो हमारे साथ हैं। मैं बात करूं जनाब मोहम्मद दीन साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है? सब खैर है, मैं ठीक ठाक। हाँ जी, हुक्म करो जी, कितों टुरना जी? ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਵਾਗੇ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਟਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਵੀ, ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੁਲਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ ਘੁਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੁਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਘੁਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅੰਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ,
इन्हें हाथी से चढ़ा के मैं लाहौर फड़ाया हाथी जा के शाम ने अंदर बाल लिया तो मैंने आखिर भाजी जाओ मैं रात पैदल आया वहां। मोहम्मद इन सब का ये कहना है कि पाकिस्तान में इन्होंने हर शहर में कुश्ती खेली, हर शहर में जीते हैं। उसके बाद हुकूमत वक्त जो थी, हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने मोहम्मद दीन साहब से ये कहा कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुश्ती करें। और इनका फाइनल मैच जो था वो तय पाया इंडिया के साथ। फाइनल में इंडिया भी पहुंचा और मोहम्मद दीन साहब जो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे वो भी पहुंचे। तो जो इंडियन प्लेयर थे, जो कुश्तीबाज थे, उन्होंने रात को इनसे ये कहा कि मोहम्मद दीन साहब आप हमारे साथ कुश्ती ना करें क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही है, तो आप कुश्ती ना करें। क्योंकि उनको ये पता था कि मोहम्मद दीन साहब ने जीत जाना है, ये सबसे जीतते आ रहे हैं। और मोहम्मद दीन साहब ने उनसे ये कहा कि जनाब मैं सौदेबाजी वाला बंदा नहीं हूँ, मैंने कुश्ती खेलनी है, मैं हारूँ या जीतूँ मैं कुश्ती खेलूँगा। उसके बाद जब ये जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने 1954 में एशियंस गेम में ये गए और इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल जीता। और जब ये पाकिस्तान वापस आए, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। और इनका कहना ये है कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह पूरा पाकिस्तान मेरी मुट्ठी में है, मेरे हाथ में है। जब ये जीत कर आए तो उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे फिरोज़ खान नून, उन्होंने इनको रिसीव किया। इनको सारा दिन लाहौर की सड़कों पर लेकर फिरते रहे, फिर रात को हाथी को कर दिया गया बंद। और जो उस टाइम पे आलमी पहलवान थे जनाब दीन मोहम्मद साहब, इनको कहा गया कि जी आप घर चले जाएं। एक बंदा वक्त के वज़ीर आज़म के साथ सारा दिन सड़कों पर फिर रहा है, हाथी पर बैठा हुआ है और वज़ीर आज़म नीचे है, पहलवान हाथी पर है, सारा दिन वो वज़ीर आज़म के साथ फिर रहा है और वो पहलवान रात को पैदल अपने घर गया है। आगे जनाब फिर सुबह मैंने फिर सजा मैं गया हूँ, ये मैंने लगे तकमा दे, मैं कह जी गा सुनो मैंने तकमा ना दो है क्यों, मैं मेरे को जगह दो। और जैसे मैं उन्हें बैसिया वहाँ बच्ची उठी है, उन्हें हूँ ले ला जे असी रहेगा तो तू आवेगा तो फिर अच्छे जाएंगे। उन्होंने बच्ची ने तो किया सी? हाँ जी, मैं फिर ढाके टोर गया वहाँ, ढाके में पंजा मेरा ब्लड कार्ड कर फिर आया वहाँ। आदा गया जनाब कोई भी नहीं, मैं चलो तू तेरे घर आ गया, मैंने किसी पूछे नहीं किधरों आया किधर जाना, मैं जो घर बैठ गया। वज़ीर आज़म जनाब उस टाइम पे जो थे फिरोज़ खान नून, उनकी बेटी ने कहा कि जी हम आपको अगली दफ़ा जो है घर दे देंगे। यार उनकी बेटी का क्या हक बनता है कि वो इस चीज़ का फैसला करे? ये शुरू से पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की गरीब अवाम को, बेवकूफ़ अवाम को और मासूम अवाम को पागल बनाया गया है कि इनके दिल कैसे जीतने हैं। वज़ीर आज़म की बेटी इस चीज़ का फैसला कर रही है कि वक्त का जो पहलवान मोहम्मद दीन साहब, उनको कह रही है कि जी आप अभी ये हमारे से तमगा ले लें सोने का और आप अगली दफ़ा जब जीत कर आएंगे तो मैं आपको घर दिलवा दूंगी। ऐसे ही है जी। उसके बाद आप ढाका गए? ढाके जाए मैं फिर उसे पूछा पाँच चिट्ठियाँ जीत के मैं फिर वापस आया, हुकूमत बदली ना पाई अभी तो रहे नहीं, दूजे दरखास्त हम अज तक देता है पटूने की दरखास्त, उन्हें आख्या मैंने फौज पर लै हूँ फिर करा तेरे नाल गए वह भी लग गए। ये जिन्हें हैं मेहरबान ने अपने पेट पाल लिया ने, किसी गरीब नहीं दे सके, हूँ भी खाते ने किसी का करखाना कितने किसी का कितने, दुनिया चीका मार दी असी मार लें, मैंने तो इन्हें दिता ही कहने ने कुछ नहीं, इन्हें समझा भी खोल बच्चा इन्हें की पता है आखिर घर जी तो मेरा भी करता टेंट मेरा भी करता है, मैं गल लिया भी मैं भी शिविर वाली गड्डी से पवा। अच्छा ये दसो कि तुम जिनी खुराक सी पलवानी तो तुम ये पल्यों की है? ये जी किसी ने दी है पल्यों खाते रहे पल्यों खा के तो तुम ना रोशन किया पाकिस्तान का। मैं क्या जी यो जो पुरानी गल् मेरे को पूछ दी पुछनी है पुरानी ने नवी गल तुम की पूछा मैंने दसो। एक मजदूर हो के निशान झाड़ी का नहर पाकिस्तान जी हाँ कभी इटा लाइया है बाटा फिर जी ये नहीं है इटा ढोइया तो अं लगे दिहाड़ी की थी करके नहीं खाधी कि वह नहीं बैठे। अच्छा यह गल दसो मोहम्मद दीन साहब थोड़े विआह को किन्ना अरसा हो गया, किन्ने साल हो गए? विआह काफ़ी देर हो जाए क्या कि देर हो गई है? यही तो पूछ रहे थोड़े को, यही तो गल्ला ने
आया सनम नहीं किसी को नहीं पूछ रहा ऐ गाली भलवान साहब दसना तुसी आप लगे राशन कार्ड बनाउन आटियां दे खंडा दे लोग बना मैं उत्थे गया मैनू ने भलवाना बच्चे किन्ने ने मैं पांच ही हैगे ने अगर ना की मैं मैनू नहीं पता जदों तुहाडा विआह होया सी उदों सोना किस तरह तोला सी उदों मुख सी मुखत सी मुखत जी दस भी रुपये है कुछ भी नहीं है ये जी बुरज हैगी है इन पहलवान कि फटते हैं जरा फट के तो विखाओ तोहफा गिरदा दे रहे पहलवान साढ़ा बंदा चंगा पहलवान चंगा चल दुआ चाहिए मगर साई जमदे सब मगर मैं टाके को जाया चार कुर्सियां बाबे ने इतने मैंने दस उन्हें पुत्र चार कुर्सियां टटाने पंजवें मुंडा बड़ा तगड़ा इनका कहना यह कि ढाका में मैंने चार कुश्तियाँ जो हैं वो मैंने गिराई थी और उन्होंने कहा था कि जो इनके उस्ताद थे उन्होंने कहा था कि तुसी पंज करा लो साढ़े को मुंडा तगड़ा है यही कहना चाह रहे थे तो मोहम्मदीन साहब तुहाडे बच्चे किन्ने ने मेरे हुण चार ने ते पोतरे अल्लाह दी रहमत शुक्र मैं वेख के पुत्रां नूं मैं खुश बंदा जिन्ना मैं पोतरियां नूं दादा तो जिहड़ा फिर पोतरियां दोतरियां नाल ही हुंदा है पुत्र फिर कित्थे अच्छा मोहम्मदीन साहब ए जदों तमगा तुहानूं लभिया सी ये मैं गुआ गया उत्थे कुर्सियां हुई मिनटो पार्क उत्थे किसी ने पता भी ये बंदा नहीं चैंपियन है चैंपियन तो हो रहा वो बंदा फिर आया इतने मेरे को बाहर उन्हें दिन मैं चुप पार किया मिनटो पार मैं गया उन्हें उत्थे बात था जैसे लगे ना नाम देन उन्हें खलो जो जी ये बंदा नहीं है चैंपियन है बंदा हो रहा उन्हें मैंने थले लाया जैसे उन्हें दिन मैं बड़े पहलवान जो चैंपियन बनना है वो कह लगे कितों आया मैं कब्रस्तान चो आया उठ हूँ उन्हें आना इमरान खान इतने क्यों आना तू उस अल्लाह रहमत उन्हें लिया अल्लाह ने लिया मैं नहीं लिया इमरान खान जो थोड़े नाल दोस्ती करे वो नाल दोस्ती करोगे देखो जी जो कोई घर पूरा करेगा तो दोस्ती होगी अगर भी दोस्त बने रहेंगे ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰੇ ਚਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਐਤਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇ ਮੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇਨਕੋ ਢਾਕਾ ਮੇ ਦਿਆ ਗਿਆ ਜਬ ਢਾਕਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਮੈਡਲਸ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਸਕੋ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ नवादरात हैं ये देखिए अपना ओल्ड पासपोर्ट इन्होंने संभाल के रखा हुआ है ठीक है व्यूअर्स और ये जिस तरह आज पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन जाते हैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए उनके बिल्कुल पॉकेट पे ये ऐसे लगा होता है कि ये पाकिस्तानी है जिहड़ी इस टाइम ते साडी हुकूमत है हुकूमत जिन्ने भी लोग ने उन्होंने तो तुसी कोई मैसेज देना चाहोगे कुछ कहना चाहोगे मैनू कुछ ना दे मैंने इस्लामाबाद साथ लैन नौ जी खबरें चल दी हाँ जी उसे मैंने कह विखा दें लोगों आ दीन मुहम्मद जी ने पाकिस्तान का झंडा किया तो उसे बैन सलामी बजा आ जे मैंने इन्नी बड़ी मुल्क पता लग रही पाकिस्तान दिता की है हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो अल्लाह निगेबान